एक्टिविटीज भी। तो हम लोग आज सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये देखा आप लोगों ने, एक ग्रीटिंग कार्ड है। इसको बनाने के लिए हम एक रिबन ले सकते हैं, सीजर हमारे पास होना चाहिए, और कुछ अगर घर पे ऐसे मोतीज वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लू चाहिए हमें, पेपर चाहिए, ऐसे वाइट पेपर अगर है आप लोग के पास तो वाइट पेपर लीजिए, कलरिंग पेपर है तो कलरिंग पेपर लीजिए, और ऐसे घर पे अगर छोटे छोटे रिबन्स हैं, पुराने रिबन्स हैं, उसका भी यूज़ आप लोग कर सकते हो। कलर्स चाहिए हमें, ये कलर्स जैसे कि हमारे पास हैं कलर्स, और ये भी हमारे पास कलर्स हैं, हम कलर्स की हेल्प करके कर सकते हैं। सो हमने ये एक वाइट पेपर लिया है, और अगर आप लोग के पास कलरिंग पेपर नहीं है या फिर वाइट ही पेपर है तो आप लोग वाइट पेपर पे भी स्केच पेन से या फिर जो भी कलर है आपको वो सब से कलर करके कर सकते हैं। ये वाइट पेपर लिया है, इसको हमने मिडिल से दो फोल्ड कर दिया है, ऐसे दो फोल्ड कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक पेपर लेंगे और उसमें कुछ भी एक ऐसे ड्राइंग करेंगे और उसको सीजर से काट लेंगे। काटने के बाद ऐसा एक बनाएंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे करके चिपकाएंगे जिससे एक डिजाइन बन जाएगा हमारे ग्रीटिंग कार्ड में। तो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी काट रखा है, काट के इसमें डिजाइन भी बना लिया है जस्ट ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी ऐसे जिससे कि और ब्यूटीफुल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें फ्लावर्स बनाने हैं, पेपर कटिंग से फ्लावर्स बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में हमें पेपर्स काटने हैं, और इसको फ्लावर को बनाना बहुत ईजी है। ऐसे करके एक फोल्ड करेंगे, टू फोल्ड्स एंड ऐसे करके एक फोल्ड। फिर उसके बाद एक पेंसिल लेना और उसमें ऐसे करके एक फूल का पेटल बनाना है, और उसको सीजर से हमने ऐसे करके काटना है। इट्स वेरी इजी टू मेक अ फ्लावर, पेपर फ्लावर, और इसको काट के हमने ऐसे फोर पेटल्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसी पेंसिल को यूज करके अभी ऐसे करके टर्न करना है पेपर को जिससे कि एकदम फ्लावर पेटल लगे। अगर आप लोगों के पास कलरिंग पेपर नहीं है, मैंने भी यहाँ पे व्हाइट पेपर में करके दिखाया, अगर आप लोगों के पास कलरिंग पेपर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे करके हम, और एक फ्लावर बनाने के लिए हमें थ्री पेटल्स चाहिए होते हैं, ऐसे तीन बार करना पड़ता है, तो ऐसे करके आप लोग और दो बार करिए। उसके बाद एक पेपर लीजिए व्हाइट पेपर, और उसमें एक ऐसे लीफ बना के उसको कट करके उसमें ग्रीन कलर भर दीजिए। हमें जो उस पेपर काटा था डिजाइन में उसको हमने लगा दिया, और उसमें मैंने ऐसे करके डिजाइन बना दिया। अगर आप लोग चाहें तो इसमें कुछ भी फ्लावर भी बना सकते हैं, रोज भी बना सकते हैं, कुछ भी डिजाइन इसमें बना के कर सकते हैं। तो मैंने तो ये डिजाइन बनाया है क्योंकि मुझे ऐसे डिजाइन पसंद है, ज्योमेट्री टाइप्स, और ये ऐसे मैंने फ्लावर्स बना दिए। अब इन फ्लावर्स, दो फ्लावर बनाए कलरिंग पेपर से, आप लोग चाहें तो व्हाइट पेपर को यूज करके कलर भी कर सकते हैं, और उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगी विद देयर लीफ। मेरे पास कुछ मोती भी हैं जिनको यूज मैं कर रही हूँ इसके यहाँ पे ऐसे करके लगाने के लिए, ऐसा है, ठीक है। अभी ये जो जगह खाली पोर्शन बचा हुआ है इसमें हम अच्छे से सुंदर से हैप्पी टीचर्स डे लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो स्केल और पेंसिल का भी, स्केल, ये स्केल है, आप लोग यहाँ पे आराम से स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके हैप्पी टीचर्स डे लिख सकते हैं। हैप्पी टीचर्स डे, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, इजीली हो जाएगा। थोड़ा डिजाइन भी लिखेंगे,
सकते हैं तो सुंदर लगे। और कोई भी कलरिंग पेंसिल से हैप्पी टीचर से लिख सकते हैं। मैंने ये कलर इस्तेमाल किए क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कलर है, आप लोग चाहे तो अलग से कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैप्पी टीचर्स डे लिखा है, लेकिन आप लोग चाहे हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्रीटिंग कार्ड है। ग्रीटिंग कार्ड बर्थडे में भी दिया जाता है, टीचर्स डे में भी दिया जाता है, और किसी भी दिन हम किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 5 तारीख को टीचर्स डे है तो हम टीचर्स डे के ऊपर हमने ये बनाया है हैप्पी टीचर्स डे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी है, अभी अंदर इतना खाली खाली है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे एक व्हाइट पेज लेते हैं, ठीक है, और उस व्हाइट पेज में हम पेंसिल का यूज करते हैं, सिर्फ पेंसिल। जिनके पास कलर नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे, तो हम ऐसे पेंसिल लेते हैं और उसमें ऐसे ऐसे करके शेडिंग करते हैं ना, हम लोग ऐसे शेडिंग कर देते हैं। देखो कितना मजेदार है, पेंसिल को हम लोग ऐसे कितना बर्बाद करते हैं, आज हम पेपर पे कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे करके हम पूरा शेडिंग कर देते हैं, जो हमारा अंदर ग्रीटिंग कार्ड के जो अंदर है वो व्हाइट व्हाइट है, बेरंग लग रहा है, तो उसमें भी रंग भर देते हैं हम लोग ऐसे करके। इरेजर से अगर हम इसमें कुछ भी ऐसे कर डिजाइन बनाए, फ्लावर बनाए, तो क्या नहीं बनेगा फ्लावर? देखिए ये देखिए फ्लावर बन गया। फिर यहाँ पे और एक ऐसे करके इरेजर की हेल्प से हम लोग कुछ भी डिजाइन पेंसिल के शेडिंग के ऊपर बना सकते हैं, और फिर उसको हम कट भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे अगर बटरफ्लाई बनाए तो कितना सुंदर लगेगा। मैं सोची हूँ एक फ्लावर बनाऊ, और मैं इसे फ्लावर बनाने के लिए कर भी रही हूँ, जिसे मैं कट करके फिर पेस्ट करके कर दूंगी। अगर आप लोग को ऐसे इरेजर से नहीं करना आ रहा है तो पहले आप शेडिंग कर लीजिए ऐसे पूरा अच्छे से, उसके बाद फ्लावर बना दीजिए। ठीक है, ऐसे करके फिर इसके बाद इसको इसके ऊपर हम इरेजर से ऐसे करके चला सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है इरेजर से ड्राइंग बनाने में वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसे इरेजर से मिटा मिटा के एक फ्लावर ड्राइंग किया है, अब इसको मैं हमारे ग्रीटिंग कार्ड के अंदर ऐसे लगा दूंगी जिससे सुंदर हो जाएगा। थोड़ा सा साइड करके लगाऊंगी जिससे कि अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना हो तो हम वो भी लिख सकते हैं कि किस टीचर को हमने देना है, या कैसे किस टीचर का नाम लिखना है, फ्रॉम मैंने दिया है, मेरा नाम लिखना है, मैं अपने टीचर को दूंगी तो मेरा नाम तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं इस तरफ लिख सकती हूँ और इसको मैं यहाँ पे चिपका सकती हूँ। जिन बच्चों को ये नहीं करना है तो यहाँ पे वो लोग कुछ भी ड्राइंग बना के कर सकते हैं, या फिर पेपर से ही कटिंग करके आप लोग कर सकते हो। पेपर लीजिए, ठीक है, उसमें हार्ट शेप बनाइए। हार्ट शेप भी अगर आप लोग को नहीं बनाना आता है तो एक पेपर लो, उसको ऐसे करके फोल्ड करो, ठीक है, और फोल्ड करके ऐसे कई तरह से हार्ट शेप बना लो, छोटा बड़ा 3 साइज के हार्ट शेप बना लो, और उसको एक के ऊपर एक चिपका के भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। जिनको ये शेडिंग आती है दे कैन यूज शेडिंग, जिनको नहीं आता है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे करके हार्ट शेप कर सकते हैं। अभी मैं इसको कट करूंगी और देखना, और फिर इसमें रंग भी भरना है। मैंने तो व्हाइट पेपर लिया है जिसके वजह से ये व्हाइट कलर का निकलेगा, लेकिन हार्ट तो क्या होता है, रेड कलर का होता है हार्ट, तो आप लोग सब रेड कलर इसके ऊपर भर दीजिए, या फिर कोई भी कलर आप लोग भर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग अगर काटेंगे हार्ट तो हमारा एक फोल्ड दे के हम अगर काटेंगे तो ऐसे करके हार्ट बन जाएगा। अब इस हार्ट को ऐसे करेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, ये देखो। फिर जो इससे छोटा बनाया था उसको हम काटेंगे,
सेम टू सेम कट करेंगे। ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे, देखो कितना सुंदर डिजाइन बन गया। ऐसे करके आप लोग स्क्वायर शेप भी काट सकते हो, स्क्वायर शेप भी लगा सकते हो, रेक्टेंगल शेप भी लगा सकते हो, सब तरह का शेप बना के ऐसे चिपका सकते हो। एक के ऊपर एक चिपकाएंगे और जब हम ऐसे करके खोलेंगे तो कितना सुंदर हो जाएगा। मैं इसे पेस्ट करके अभी दिखाती हूँ। इन हार्ट शेप्स में रंग भरते हैं, जो मेरे पास रंग थे मैंने वो भर दिया। अभी मैं इनको एक एक करके चिपकाऊंगी। थोड़ा सा गम चाहिए हमें, कोई भी गम चलेगा, और जो हमने काटा था उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे मिडिल में। फिर उसके बाद ये वाला भी चिपका देंगे सेम एक के ऊपर एक, जिससे और भी सुंदर लगे। फिर ये मैंने कलर मैच करके किया, आप लोग भी अगर चाहें तो कलर मैच करके कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी सुंदर है। अभी हम इसे बंद करेंगे और फिर जब खोलेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अभी हम इसको चिपकने के लिए रख देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे। जो भी अपने टीचर के बारे में लिखना है आप यहाँ पे लिखिए, और जिन टीचर्स को देना है उनका यहाँ पे नाम लिखिए। ठीक है, हमारे मेरे तो फेवरेट टीचर का नाम है मयंक श्रीवास्तव। ठीक है, मैं यहाँ पे मयंक श्रीवास्तव लिखूंगी क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। मेरे फेवरेट टीचर है, हमारे जो मैं स्कूल में थी तब वो मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे, तो मेरे फेवरेट है मयंक श्रीवास्तव। फिर यहाँ पे फ्रॉम FROM फ्रॉम फ्रॉम का मतलब जिनके मैंने बनाया है, तो मैं अपना नाम लिखूंगी यहाँ पे। हम अपना नाम लिख के और जो टीचर्स के बारे में जो भी आप लोग को लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के ये आप लोग का ग्रीटिंग कार्ड बन के रेडी है। और अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पे डिजाइन भी बना सकते हो, कुछ भी यहाँ पे बाउंड्री बना के डिजाइन भी बना सकते हो, या फिर ये रिबन्स है, छोटे छोटे रिबन्स है, रिबन्स के भी फ्लावर बना के आप लोग यहाँ पे चिपका सकते हो। तो मेरे पास एक फ्लावर है, मैं इसे फ्रंट में चिपकाऊंगी यहाँ ऐसे, तो जिससे ये और भी सुंदर लगे। ये मैंने पता है कहाँ से लिया, ये मेरे पास एक ड्रेस था, वो बहुत पुराना हो गया, उसमें लगा हुआ था ये सब, तो मैंने उस सब से ये मोती छुड़ा लिया। ठीक है, ये देखो सब ड्रेस का है, उस ड्रेस से मैंने ये सब निकाल लिया। फिर ये फ्लावर्स लगे हुए थे, ये भी निकाल लिया, पुराना हो गया था, मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो मैंने ये सब उस ड्रेस से निकाल लिया। अगर आप लोग के पास भी पुराना कपड़ा है उसमें भी ऐसे लगे हुए हैं तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हो ग्रीटिंग कार्ड बना। ऐसे ही करके ये देखिए हम लोग का टीचर्स डे का ये कार्ड बनके रेडी है। मेरे पास एक छोटा सा रिबन था पुराना फ्रॉक में लगा हुआ, मैंने वो ले लिया। फिर ये फ्लावर भी ले लिया, ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड बनके रेडी है। ये देखो फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, ऐसे करके हम लोगों ने खोला, यहाँ पे हम लोग का डिजाइन भी बन के रेडी है। ठीक है, और ये हम लोग का ग्रीटिंग कार्ड बन के रेडी है। ऐसे करके मैंने और एक बनाया है, ये देखो सब पुराने इस्तेमाल करके ही, पेपर कटिंग करके ही हम लोगों ने बनाया है ऐसे। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैप्पी टीचर्स डे, टीचर्स कौन से टीचर्स को देना है, उनका नाम किस, फिर मेरा नाम, ऐसे करके कई सारे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं।